अगर आप किसी एक ऐसे बिजनेस की तलाश में हैं जिसमें कम लागत लगाकर अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं तो उनमें से है एक मिठाई की दुकान का बिजनेस। इस बिजनेस को आप शुरू करके महीने का लाखों रुपए कमा सकते हैं। अगर आपको यह नहीं पता है कि मिठाई की दुकान कैसे खोला जाए और किस तरीके से आप अपनी मिठाई की दुकान को सेटअप करोगे तो यह वीडियो आपके लिए ही है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवांग है और आज हम बात करने वाले हैं एक मिठाई की दुकान कैसे खोलें। मिठाई की दुकान का जो बिजनेस है एक ऐसा बिजनेस है जो कि सालों साल चलता रहता है। इस बिजनेस में कभी भी मंदी का सामना नहीं करना पड़ता है। समय समय पर जब भी त्यौहार आते हैं तो मिठाई की जो सेल्स होती हैं वो 10 गुना तक बढ़ जाती हैं, जिससे कि हर एक दुकानदार कम से कम लाखों का टर्नओवर सिर्फ एक दिन में कर देता है। जी हाँ, लाखों का टर्नओवर सिर्फ एक दिन में। तो आइए अब हम आपको ये बताते हैं कि मिठाई की दुकान को कैसे ओपन किया जाए, जिससे आप भी खुद की मिठाई की शॉप ओपन कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं मिठाई की दुकान कैसे खोलें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मिठाई की दुकान कैसे खोलें तो सबसे पहले आपको अपने बिजनेस का प्लान बनाना होगा, ठीक है ना, अपने बिजनेस का मॉडल तैयार करना होगा। और आपको ये भी पता करना होगा कि आप जिस भी एरिया में अपने मिठाई की दुकान को खोलने वाले हो क्या वहाँ पे मिठाई की एक्चुअल मांग है कि नहीं। और ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा मार्केट रिसर्च से। वैसे तो इस इंडस्ट्री की जो मार्केट साइज़ है वो लगभग 2021 में थी 4368 करोड़ रुपए की थी और वही बढ़कर 2027 तक 12763 करोड़ तक की हो जाएगी। तो इस बिज़नेस में भी ग्रोथ की बहुत हाई अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस बिज़नेस को ओपन करना चाहते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपको इस बिज़नेस को ओपन करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, इस बिज़नेस में कितना प्रॉफिट होगा, साथ ही साथ इस बिज़नेस को ओपन करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है और इस बिज़नेस में कौन कौन से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कराने पड़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि मिठाई की दुकान का बिजनेस कैसे शुरू करें। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको बिजनेस प्लान बनाना होगा। बिजनेस प्लान कैसे करोगे, मार्केट रिसर्च से। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपके टारगेट ऑडियंस कौन से हैं। जिस भी एज ग्रुप के आपके टारगेट ऑडियंस हैं उनको कौन सी मिठाइयाँ पसंद है, ये कैसे आप पता कर पाओगे, जब आप अपने मार्केट में सर्वे करोगे, ठीक है ना। और आप अपने लोकल एरिया में जितने भी कंपटीटर हैं उनको एनालाइज कीजिए और ये भी पता लगाइए कि वो भी जो स्वीट्स प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वहाँ के कस्टमर उनसे सेटिस्फाइड हैं कि नहीं। साथ ही साथ आप अपने बिजनेस के लिए लोकेशन भी डिसाइड कीजिए जहाँ पे आप अपने बिजनेस को ओपन कर सकते हो। ये सब कैसे पता चलेगा, ये सब पता चलेगा मार्केट रिसर्च से। वैसे तो भारत में सभी वर्ग के लोग मिठाई खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा आने वाले त्यौहार जैसे कि होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ईद, ऐसे बहुत सारे त्यौहार के मौके पर मिठाई की मांग बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाती है। और जब हम अपने किसी रिलेशन के पास जाते हैं या फिर रिलेशन में ही जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये सोचते हैं कि हम कौन सी मिठाई लेकर जाएंगे। साथ ही साथ घर में कोई भी फंक्शन होता है, जैसे शादी हुआ, तिलक हुआ, मुंडन हुआ, बर्थडे हुआ, ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो कि घर पे मनाए जाते हैं, उस ओकेज़न पर भी हम लोग मिठाई का सेवन करते हैं, जिससे कि हमको ये पता लगता है कि मिठाई की एक्चुअल में मार्केट वैल्यू है, मतलब मार्केट में डिमांड है। तो इस बिज़नेस को आप ओपन करने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि आपको अपने बिज़नेस की साइज को ध्यान में रखना होगा कि आप इस बिजनेस को कौन से लेवल पे स्टार्ट करने वाले हो, स्मॉल लेवल, मीडियम लेवल या फिर लार्ज लेवल। साथ ही साथ आपको अपने बिजनेस का ओनरशिप डिसाइड करना होगा कि आपके फर्म का या फिर बिजनेस का ओनरशिप क्या होने वाला है, एक प्राइवेट कंपनी होने वाली है या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप होने वाली है या फिर वन पर्सन होने वाली है, क्या होने वाली है। साथ ही साथ आप इस बिजनेस को ओपन करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपका रफ बजट कितना है, ठीक है ना, ये आपके पास रेडी होना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे रेज कर सकते हो। पैसे रेज करने के लिए सिर्फ दो ही तरीके होते हैं, एक होता है डेप्ट, दूसरा होता है इक्विटी। डेप्ट, डेप्ट का मतलब होता है उधारी। अगर हम अपने किसी फैमिली फ्रेंड से पैसे लेकर अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो वो आ जाता है डेप्ट के रूप में। लेकिन दूसरा जो होता है वो होता है इक्विटी। इक्विटी में क्या होता है, हमारे बिजनेस के शेयर्स डाइल्यूट हो जाते हैं, जैसे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप हमारे साथ मिलकर काम तो करता है, हमारे बिजनेस को फंड तो करता है, लेकिन हमारे बिजनेस के प्रॉफिट में भी उसकी हिस्सेदारी हो जाती है। वही चीज़ होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या करता है, ये हमारे साथ काम तो नहीं करता लेकिन इसका पैसा हमारे लिए काम करता है। जैसे कि कोई भी इन्वेस्टर है, उसको मैंने अपना आइडिया बताया, अगर उसको मेरा आइडिया पसंद आया तो वो कुछ पैसे हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा, कुछ परसेंट की इक्विटी के लिए। तो उस इक्विटी के हिसाब से उसको मंथली का डिविडेंड मिलना चाहिए।
तो ये दो तरीके हैं जिसकी मदद से आप पैसे को रेज कर सकते हो। उसके बाद आप अपने शॉप के लिए लोकेशन चूज़ करो। लोकेशन ऐसा होना चाहिए जो कि टारगेट ऑडियंस के पास हो, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल हो, साथ ही साथ वो मार्केट प्लेस में हो, जिससे कि गैदरिंग ज़्यादा हो। जब गैदरिंग ज़्यादा होगी तो कस्टमर ज़्यादा आएंगे, जब कस्टमर ज़्यादा आएंगे तो सेल्स भी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। अब जब लोकेशन की बात हो ही गई है तो अब अपने ऑफिस के लिए एक रूम भी देख लो। रूम आपको देखना पड़ेगा, रूम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्पेशियस होना चाहिए, वहाँ पे अच्छी खासी फैसिलिटी अवेलेबल हो, जैसे कि वेंटिलेशन की फैसिलिटी अवेलेबल हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अवेलेबल हो, एयर कंडीशनिंग की फैसिलिटी अवेलेबल हो, वाटर फैसिलिटी अवेलेबल हो। ये सब कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो कि आपको चेकआउट करना होगा जब आप एक रूम देखने जा रहे हो अपने बिजनेस के ऑफिस के लिए। उसके बाद आपको अपने बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल्स कहाँ से आएंगे? देखो, रॉ मटेरियल्स आप मार्केट से लो, जैसे कि मैंने बताया। लोकेशन कैसा होना चाहिए? मेन मार्केट में होना चाहिए, जिससे कि आपके जो रॉ मटेरियल है वो आपके दुकान से नज़दीक हो। आप जिस भी शॉप से अपने रॉ मटेरियल्स को बाय करोगे उनकी क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है ना, और वो सही प्राइस में सही क्वालिटी उनको प्रोवाइड करना होगा। आप अपने रॉ मटेरियल्स सही क्वालिटी सही प्राइस पे और सही दुकान से ही लें, जिससे कि आपको मिठाई बनाने में दिक्कतें ना आए। साथ ही साथ आप अपने सप्लायर से एक अच्छा रिलेशन बना के रखें, ताकि वो इन फ्यूचर में आपको कुछ रॉ मटेरियल भी उधार पे दे सके, ठीक। तो अब बात करते हैं लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के बारे में। अगर आप इस बिजनेस को लीगली रजिस्टर कराने वाले हो तो आपको अपने फर्म को रजिस्टर कराना होगा ROC के साथ, चाहे तो प्रोप्राइटरशिप फर्म में, या फिर पार्टनरशिप फर्म में, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में, या फिर वन पर्सन कंपनी में। इन पाँचों में से आप किसी एक में भी अपने बिजनेस को रजिस्टर करा सकते हो। और अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 12 लाख से ऊपर हो जाता है तो GST कंपलसरी हो जाता है। शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत लाइसेंस लेना होगा, FSSAI का लाइसेंस लेना होगा, और भी जो अदर बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं उसको भी आपको लेना होगा, जैसे कि रेंटल एग्रीमेंट हो गया, करंट बैंक अकाउंट खुलवाना होगा, पैन कार्ड रजिस्टर कराने होंगे आपके बिजनेस के, ठीक है ना। ये सब कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको ज़रूरत पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं रिक्रूटिंग स्टाफ के बारे में। किसी भी बिज़नेस को रन करने के लिए हमको स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको मिठाई बनाना नहीं आता है तो आप कुछ स्किल्ड वर्कर को रखिए जिसके पास मिठाई बनाने की एक्सपीरियंस हो, और वो अपने सर्विसेज में फुली ट्रेंड होना चाहिए, ताकि वो अपने कस्टमर को अच्छी खासी सर्विस प्रोवाइड कर सके। जब अच्छी खासी सर्विस वो प्रोवाइड करेगा तभी ज़्यादा कस्टमर आएंगे, जब ज़्यादा कस्टमर आएंगे तब ज़्यादा सेल्स होंगी, और सेल्स को बढ़ाने के लिए आपको अपने बिजनेस के प्रमोशन मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी। कैसे करेंगे? विजिटिंग कार्ड और पैम्पलेट को छपवाकर आप अपने लोकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करा दीजिए। सोशल मीडिया या फिर डिजिटल मार्केटिंग कराइए। आप जो भी प्रोडक्ट या फिर जैसे आप मिठाई बना रहे हो तो उसकी रेसिपी बनाकर आप अपने यूट्यूब पर भी अपलोड कर सकते हो। आप अपने ऑफलाइन सर्विस को ऑनलाइन पर भी लेके जाओ। कैसे ले जाओगे? एक वेबसाइट को बनवाकर। वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे जितने भी नए कस्टमर आए उनके लिए स्पेशल ऑफ़र हो, और जो रेगुलर कस्टमर हो उनके लिए अलग से स्पेशल ऑफ़र हो। तो ये कुछ बेसिक टिप्स थे प्रमोशन मार्केटिंग से रिलेटेड। तो अब हम बात करते हैं इस बिज़नेस में कितना प्रॉफिट होगा। देखो, इस बिज़नेस में जो मेनली मार्जिन होता है वो 15-40% तक का होता है। अगर आप महीने में 5 लाख का ही टर्नओवर कर देते हो, और अगर हम प्रॉफिट मार्जिन मान के चलते हैं 30% तक का, तो आपको मंथली 1.5 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब कि आप एक महीने में इजीली 1.5 लाख रुपए कमा सकते हो इस बिज़नेस से, ठीक। तो इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपके पास कौन कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी? आपको बर्तन चाहिए 50,000, फर्नीचर 50,000, इन्वर्टर 20,000, गैस एंड बर्नर 1500, फ्रिज 50,000, फैंस 9,000, बिल मशीन 5,000, CCTV कैमरा 10,000, चेयर 5,000, इंटीरियर 25,000, एक्सटीरियर 25,000, ठीक है ना। तो टोटल मिला जुला कर आपको इक्विपमेंट्स में ही लगभग 2,50,500 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। ये अमाउंट कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, आपके लिए कम भी हो सकता है। अगर जैसे कि यहाँ पे जो फ्रिज है, इस फ्रिज की अगर हम दाम घटा देते हैं 20,000-25,000 तक लेते हैं तो हमारा कॉस्ट कम हो जाएगा। तो इक्विपमेंट्स जो आपको बेसिक इक्विपमेंट्स है वो आपको पहले लेना है, लेकिन जो एक्सटर्नल इक्विपमेंट्स है वो आप बाद में ले सकते हैं, जैसे कि कैमरा हो गया, CCTV कैमरा हो गया, बिल मशीन की जगह आप बिल बुक का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक। तो ये कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स जो कि आपको रिक्वायर होंगे इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रिक्वायर के बारे में। आपको इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट लग सकता है, आइए देखते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000, ये रिटर्नेबल अमाउंट होता है। रेंट 10,000, डिजिटल मार्केटिंग 10,000, रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेस 15,000, मार्केटिंग कोलेट्रल 10,000, इक्विपमेंट 2,50,000, सैलरी 20,000,
इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000 और जो रॉ मटेरियल लगभग 3,00,000 का, तो टोटल मिला जुला कर 6,70,500 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप इस बिजनेस को स्मॉल लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो तो 80,000 से लेकर 5,00,000 तक का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है। अगर आप इस बिजनेस को एक लार्ज लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो या फिर करना चाहते हो तो आपको 5 से 15,00,000 तक का इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।